विचारू। गुप्ता जी, काय नेमकं आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन आहे आणि काय नेमकी तुमची भूमिका आहे जिल्हा बँकेसमोर? जिल्हा बँकेन भूमिका ऐसी मेरी ऐसी है कि जो जलगाँव जिले के आमदार, खासदार और इधर लोकल बॉडीज जो है उनके ऊपर जो सदस्य है, जैसे है ना खासदार हैं और आमदार हैं और अपने जलगाँव शहर के ना महापौर है, नगर अध्यक्ष है भुसावल के, तो ये जो लोग हैं उनके ऊपर मेरा आक्षेप है। मैंने इनका 14 नाम है, ये 14 नामों के ऊपर मैंने आक्षेप लिया हुआ है और आक्षेप लेने के बाद में मैंने ना आक्षेप लेने के बाद में मैंने ना जो न्यूनतम अधिकारी है उनको है ना मेरा ना लेटर दिया हुआ है, आक्षेप पत्र दिया हुआ है उनके ऊपर कि है ना ये लोग रिजर्व बैंक के नियम के हिसाब से है ना चुनाव नहीं लड़ सकते, इसका है ना मेरा है ना विरोध है इसके ऊपर। इसके अनुसार जो है इसका जो ये मैंने ये पत्र दिया हुआ है और पत्र के बाद में ये रिजर्व बैंक का है ना अगस्त 2019 का ना ये है डायरेक्शन है जिसको अपडेट उन्होंने 3 जून को अपडेट किया हुआ है। इसके अनुसार इसके जो अगर 4 नंबर के पेज पे अपने देखे 5 नंबर के पेज पे उसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शॉल नॉट बी होल्डिंग द पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब खासदार है ना इसके ऊपर नहीं हो सकता है। दूसरा है ना स्टेट लेजिस्लेसी आमदार भी नहीं हो सकते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपाल्टी और अदर लोकल बॉडीज, मतलब ये सब लोग है ना जो ऑलरेडी मेंबर है इसके ऊपर है ना चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है जो चुनाव जो बैंक है उसके अंदर जो दिया हुआ है कि द डायरेक्शन शेल बी एप्लीकेशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जिला बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर की बैंक है। कोई कोई का आशय भी हो सकता है कि है ना नेशनलाइज बैंक को लागू है, लेकिन अगर उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो मेरा ये बोलना है कोई भी नेशनलाइज बैंक में चुनाव नहीं होते, चुनाव सब जिला बैंक के ही चुनाव होते हैं बैंकों में अगर देखा है, तो ये जिला बैंक को लागू है ये। और इसके बाद में अगर ये नहीं करते, मैंने जो नियोजक अधिकारी है उन्होंने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं कोर्ट में जाने का विचार करूँगा इसके ऊपर। इस बारे में अभी जलगांव लोकसभा के खासदार उमेश पाटिल भी खड़े हैं, उसके बाद में रावेर लोकसभा के खासदार खड़े हैं, आमदार खड़े हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि जो आज आपको हरकत लेनी पड़ी होगी? पता होने के बाद में अभी है ना उनको पता तो रहना चाहिए कि अपन जो लड़ रहे हैं इतने बड़े आज है ना इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको ये बात तो पता भी रहना चाहिए। और मैंने जो नाम लिए हुए हैं श्रीमती रक्षा खड़से खासदार, श्री उमेश पाटिल खासदार, श्री संजय सावकारे आमदार, श्री गिरीश महाजन आमदार, श्री सुरेश भोले आमदार, श्री मंगेश चौहान आमदार, श्री किशोर पाटिल आमदार, श्री चिमनराव पाटिल आमदार, श्री अनिल पाटिल आमदार, श्रीमती जयश्री महाजन महापौर, श्री रमन भोले नगर अध्यक्ष, श्री आरजी पाटिल जिला परिषद सदस्य, श्री करण पवार नगर सेवक और श्री अमोल पाटिल सदस्य, इन सबके नामों पर मैंने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है और इन्हें एक कॉमन अर्ज के साथ में एक कॉमन अर्ज दिया हुआ है सबके नाम का और उसके बाद में व्यक्तिश प्रत्येक एक एक के ऊपर अलग से भी एक अर्ज दिया हुआ है, इन दो तरीके से मैंने ना ऑब्जेक्शन दिया हुआ है इसको। अच्छा, इस बारे में आप कोर्ट में जाने वाले हैं? इस बारे में ना अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट में जाने का विचार करें। आज हरकत नोंदवली का तुम्हें निवडणूक आयुक्त के पास में जाके मैंने ना बाय हैंड दिया हुआ है, इनकी रिसीव है यहाँ पर, इनको बाय हैंड मैंने दिया हुआ है और उनको कार्रवाई करने का मैंने विनती करी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नियम अनुसार जो है हम कार्रवाई करेंगे।